गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। और कल जो था ड्यूटीज एंड प्रॉब्लम्स, हमने जो क्लास में शॉर्ट की थी और जो हमारा कंसेप्ट था वो लिमिटेशंस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पर अटक गया था। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बिजनेस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कल बता चुका हूँ कि कंपनी क्या होती है। कंपनी और बिजनेस इज स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर अ मेन पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज नो अफेक्ट फ्रॉम द इनकमिंग ऑफ न्यू पार्टनर और आउटगोइंग फॉर अ ओल्ड पार्टनर। कंपनी वन टू कंटिन्यू वर्किंग इन द मार्केट, कि कंपनी जो है मार्केट में लगातार चलती रहती है, कोई भी नया पार्टनर आए या ना आए डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी इसकी मेरिट्स कल हमने पढ़ ली थी, आज लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली लिमिटेशन है जो क्या है वो डिफिकल्टी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना उसको। डिफिकल्टी मतलब मुश्किल आना, कि द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन इट्सेल्फ अ वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव एक्टिविटी। सबसे पहली बात कि इसमें ना डॉक्यूमेंट्री वर्क बहुत ज़्यादा होता है, रजिस्ट्रार के पास जाना, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, हर एक पार्टनर का तैयार करना, उसका एड्रेस, उसका नेम, साइन, सिग्नेचर, उसके राइट्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसकी ड्यूटीज, सब कुछ को आपने मेंशन करना पड़ता है। लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, पेपर वर्क ज्यादा है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसके अंदर जो है रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है, जिस वजह से जो है ये प्रोसेस नॉर्मली बहुत लंबा चलता है और बहुत कॉस्टली चलता है, इसीलिए इसको बनाने में डिफिकल्टी आती है। सेकंड है लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी की कमी होती है, कमी क्यों होती है, कंपनी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के अंदर 10 मेंबर हैं, तो कंपनी के जितने भी रूल्स रेगुलेशन सीक्रेट बातें हैं वो 10 के 10% में शेयर होगी। और अगर वो सभी बातें 10% के शेयर हो गई हैं तो 10% क्या है, उनमें से किसी एक ने भी अगर बात बात नहीं कर ली तो क्या होगा, कंपनी को नुकसान लॉस हो जाएगा। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम देयर इज अ लैक ऑफ सीक्रेसी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, उसके अंदर सिंगल पर्सन होता है, सिंगल पर्सन को क्या करना होता है, सारा काम करना होता है बिजनेस का सिंगल पर्सन, तो जिस वजह से उसके बिजनेस में सीक्रेसी बनी रहती है। बट इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन देर इज ए डिमेरिट, वो इसकी नुकसानदायक बात है कि यहाँ पर सीक्रेसी नहीं होती है। इसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन की कमी होना। ये मोटिवेशन की कमी होती है इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट, द ओनर ऑफ द कंपनी हैंड ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू अ फ्यू शेयर होल्डर हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर एक प्रोसेस की बात की जा रही है कि लैक ऑफ मोटिवेशन कैसे आता है। सबसे पहली बात है कि कंपनी का ओनर और कंपनी के मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, और जो ओनर्स होते हैं जिनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं वो क्या करते हैं, वो कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं और वो डायरेक्टर्स आके सैलरी बेस एम्प्लॉयज को हायर कर लेते हैं और उनको मैनेजमेंट को सौंप देते हैं, और मैनेजमेंट का काम होता है उनसे काम लेना। बट
कई बार मैनेजमेंट उनको सही तरह से देख रेख नहीं करती, उनको टाइमली मोटिवेट नहीं करती, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, कि इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट का ना कंट्रोल होता है, इसके अंदर जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बिजनेस के अंदर आती रहती है, इन्वॉल्वमेंट करती रहती है और बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करके चलती है, बिजनेस की एक्टिविटीज कंट्रोल करके चलती है, जिस वजह से क्या होता है कि बार 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 इनको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। कि एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज इन द परफॉर्मेंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज विच इंक्लूड द ऑब्जर्वेंस ऑफ द मैनी लीगल रूल्स। नॉर्मली क्या होता है, कंपनी के अंदर बहुत सारे लीगली रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड होगी, कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो क्या होगा कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उनको मेंशन किए जाएंगे जिनके ऊपर उनको फॉलोमेंट करना है। अगर वो लोग उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके क्या करते हैं, गवर्नमेंट आकर इंटरफेयर करती है और उनको बार बार प्रेशराइज करते हैं, दे शुड हैव टू फॉलो द रूल्स विच इज गिवन इन द रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट। एंड दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट कंट्रोल इज अगेन एंड अगेन। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है डिले इन डिसीजन। डिले इन डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है कोई भी डिसीजन लेना और डिले होता है उसका लेट हो जाना। कंपनी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और कंपनी के मोस्टली डिसीजन इसमें मीटिंग में लेके जाते हैं, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बिकॉज कंपनी का नॉर्मली जो डिसीजन होता है वो शेयर होल्डर्स करते हैं, विच इज नोन एज ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। जब भी उनकी मीटिंग होती है उसके बाद ही जो है कंपनी कोई डिसीजन लेती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स कुछ शेयर होल्डर या कुछ ओनर्स नहीं आ पाते हैं और इन देयर एब्सेंस द कंपनी इज नॉट एबल टू टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन। इनकी एब्सेंस में कंपनी किसी भी टाइप का डिसीजन ले नहीं सकती है, इसीलिए वो डिसीजन कंटिन्यूसली पेंडिंग में चला जाता है और कंपनी को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हमारा आता है कॉन्फ्लिक्ट अमंग द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाले लोग, और कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे छोटे मोटे इश्यूज, जहां पर देसी भाषा में बोलते हैं ना, जहां पर दो बर्तन होते हैं करते हैं। तो यहां पर वही बात आती है कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम 7% की जरूरत होती है, सॉरी मिनिमम टू मैक्सिमम 50, गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 7 की जरूरत होती है सॉरी। तो यहाँ पर एक कंपनी में मान लीजिए कि 10 मेंबर भी हैं तो 10 मेंबर्स में से भी किसी ने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी, किसी ने कम कर दी, तो उनके छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं और इन छोटे मोटे झगड़ों के कारण कंपनी की वर्किंग जो है वो डिले हो जाती है और कंपनी को लॉस में जाना पड़ता है। ये इसकी लिमिटेशंस थी और इसके बाद कुछ मैंने काम दिया था कल आपको घर से करने के लिए। दैट वॉज कि कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंसेस आपने लिखने थे, होप्स ऑफ भी आपने लिखने होंगे। ये कंसेप्ट मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, ये आप खुद पढ़ेंगे, बहुत आसान है। प्रॉब्लम आए तो मैं भी मैसेज आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। और हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है टाइप ऑफ कंपनीज। टाइप ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी टाइप्स, नॉर्मली हम लोग दो टाइप की कंपनी पढ़ते हैं, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी आती है, दूसरी पब्लिक कंपनी आती है।
प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों के बारे में बात करेंगे। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, इसके बारे में ना कुछ कुछ इंफॉर्मेशन पहले ले चुके हैं। नाउ वी जस्ट हैव टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसी मतलब जहाँ पर क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन, मान लीजिए कोई रिलेटिव है, कोई ग्रुप है, अपने चार पांच दोस्त का ग्रुप है, वो मिलके क्या करता है, एक छोटा मोटा बिजनेस खोल लेता है, उसको हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। जहाँ पर क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में ना इशू करके अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को इशू कर देती है, वो जगह प्राइवेट कंपनी कहलाती है। पहली इसकी एडवांटेज। दूसरी, ऑलवेज वी सी दिस साइन विद द नेम ऑफ कंपनी प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड, कि नॉर्मली प्राइवेट कंपनी के नेम के बाद में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी होता है। नंबर तीन, इसके अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक पर्सन जा सकते हैं। नॉर्मली 50 तक लेके जाते हैं, बट यहाँ पर जो है रूल के हिसाब से 200 तक भी जा सकते हैं, उसको हम प्राइवेटली कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी के मेंबर भी बन सकते हैं। मतलब कि क्या होता है, मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है कंपनी का, वो कंपनी के लिए एज एन एजेंट भी काम कर सकता है। एज एन एजेंट मतलब कि कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करा सकता है और कंपनी उसके बदले में उसको सैलरी भी प्रोवाइड कराती है। और ये कंपनियां नॉर्मली कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो है रजिस्टर्ड होने लगी हैं। इसकी जो कुछ बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, कुछ इसकी एग्जांपल्स दिए गए, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, कारगिल इंडिया, डेस्टिन, कार्वी कंप्यूटर एंड चिराग एग्री, वेंजोज, पार्ले प्रोडक्ट्स, सैमसंग इंडिया, वीके ग्लोबल पब्लिकेशन एक्सेट्रा। इसके कुछ उदाहरण थे, एग्जाम्पल्स थे। इसके बाद बारी आती है पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी की तो सबसे पहली बात कि इनको भी हम सेक्शन 271 और कंपनी 2013 के अंडर इसको हम रजिस्टर्ड करवाते हैं। इसके साथ सबसे पहला पॉइंट, देयर वी आर यूजिंग प्राइवेट लिमिटेड बट देयर वी आर यूजिंग ओनली लिमिटेड वर्ड। इसके साथ सिर्फ हम लिमिटेड वर्ड लगाएंगे। मिनिमम मेंबर्स इसके अंदर कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने मर्जी हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, बिकॉज पब्लिक के अंदर जा रही है, पब्लिक इन्फिनिटी होती है, उसका कोई नाम नहीं होता। थर्ड, इसके अंदर आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सॉरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जबकि प्राइवेट सेक्टर में आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बिकॉज किसी नॉन को शेयर्स दिए जाते हैं और उस नॉन को कंपनी को विदाउट इंफॉर्मेशन दिए शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की परमिशन नहीं होती है, जबकि पब्लिक सेक्टर में ये परमिशन उनको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। दे वॉन्ट्स टू ट्रांसफ़र देयर शेयर और सेल देयर शेयर टू अनदर वन, दे कैन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के काम कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे नीचे दिए गए हैं, जैसे एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो और कैनरा बैंक, डिश टीवी, BLF, HDFC बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, ITC, जेट एयरवेज, जिंदल स्टील, MRF, NDTV, NFT, ऑयल इंडिया एटसेट्रा। ये
मेन दो टाइप है कंपनियां, इसी के अंडर आती है, इसके अलावा कोई थर्ड टाइप नहीं है कंपनी कंपनीज का। कुछ कंपनियां इनके अंडर आने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी होती है, जिसका एक उदाहरण यहाँ पर ओपीसी वन पर्सन कंपनी के नाम से दिया गया है। वन पर्सन कंपनी नाम से पता लग रहा है कि जिसके अंदर सिर्फ एक पर्सन होता है, मतलब लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप इसमें एक ही पर्सन होता है। इसको हम कंपनी एक 1956 ये इंटर रजिस्टर करवाते हैं। इसके बाद बट अकॉर्डिंग टू द बिल द कंपनी बिल ऑफ 2012 वाज पास्ड इन लोकसभा फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन पर्सन कंपनी। पहले जो था सोल प्रोप्राइटरशिप थी, बट 2012 में लोकसभा में इसके लिए एक बिल पास हुआ जहां पर लोगों को परमिशन मिल गई ओपीसी वन पर्सन पार्टी वन पर्सन कंपनी को ओपन। सो वन पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे हम। लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी। कि वन पर्सन कंपनी रेफर टू ए कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। आई टोल्ड यू बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द वन पर्सन कंपनी दैट अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन, जिसके अंदर सिर्फ एक पर्सन होता है उसको वन पर्सन कंपनी बोलते हैं। इसके अंदर जो मेंबर होता है ना वो कंपनी का एज ए मेंबर कह सकते हो, उसको शेयर होल्डर बोल सकते हो, डायरेक्टर बोल सकते हो, एक ही पर्सन होता है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी इसके बारे में पढ़ेंगे। कि द फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। नंबर एक, मेकिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड। कि सबसे पहली बात कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता था ना वो अनऑर्गेनाइज होता था, मतलब इसको मानी मोर टाइम रजिस्टर्ड नहीं भी करवाते थे। बट ओपीसी वन पर्सन कंपनी की बात होगी थी, इट इज ऑलवेज बी रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड होती है, ये लीगली अप्रूव्ड होती है। सबसे बड़ी बात इसकी है, इसको इस्टेब्लिश करने का फॉर्मेशन का सबसे बड़ा पहला रीज़न ये था कि एक अनऑर्गेनाइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर को रिकॉग्नाइज करना, रजिस्टर्ड करवाना, लीगली उसको राइट्स दिलवाना, सबसे पहला इसका वजह था। और दूसरा है स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स। और दूसरा प्राइवेट कंपनी को गलत मकसद से बनाने के लिए रोकना, क्योंकि क्या होता है कि एज ऑलरेडी क्लियर दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी हैज एटलीस्ट टू पर्सन आर मस्ट। नाउ इफ ए सिंगल पर्सन वांट्स टू फॉर्म प्राइवेट कंपनी ही डज दिस, बट ही गिव सम अदर पर्सन मिनिमम पार्टनरशिप एंड कंट्रीब्यूट द प्रोसीज ऑफ द रिमेनिंग शेयर विद हिमसेल्फ। इन दिस वे प्राइवेट कंपनी गेट्स फॉर्म विद द कमिंग ऑफ टू मेंबर्स टुगेदर। हेयर इट सीम्स एज इफ द कंपनी इज बींग रन बाय टू पर्सन वेयर इज देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना कंपनी धोखा खाने से बचाती है। वो कैसे बचती है, वो इसलिए बचाती है क्योंकि कंपनी को स्टार्ट करने के टाइम कंपनी को जब शुरू कर रही है इसके अंदर तो एक पर्सन शुरू करता है, लेकिन उस वन पर्सन को कुछ मिनिमम शेयर जो होता है किसी सेकेंड पर्सन को देना पड़ता है, किसी सेकेंड पर्सन को देना पड़ता है, बट ही इज नॉट द ओनर, वो इसका ओनर नहीं है, ओनर केवल सिंगल पर्सन जिसने स्टार्ट किया वही रहेगा। ये सिर्फ कंपनी के अंदर काम करेगा, लोगों को ये दिखेगा कि दोनों काम कर रहे हैं, बट जो कंपनी है वो सिंगल पर्सन के द्वारा ही चलाई जा रही है। इसके फीचर्स सबसे बड़ी बात इसके फीचर्स पढ़ेंगे हम कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल है कि वन पर्सन रिक्वायर, कि इसके अंदर सिर्फ एक पर्सन की जरूरत पड़ती है।
स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी की, इसका जो स्टेटस होता है वो प्राइवेट कंपनी के बराबर होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनी, इसके अंदर एक नॉमिनी, नॉमिनी क्या होता है पता आपको, नॉमिनी होता है आपकी प्रॉपर्टी के पीछे, भगवान ना करे क्योंकि मिस हैपनिंग हो जाए तो जो आपकी प्रॉपर्टी है आपके पास है तो उसका कोई हैंड ओवर करने वाला भी तो होना चाहिए। नॉर्मली आप कभी बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो आपने देखा होगा कि बैंक अकाउंट में एक ऑप्शन होता है नॉमिनी का, वो इसलिए लिखवाते हैं कि मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हो जाए, आपकी डेथ हो जाए या कुछ और अदर प्रॉब्लम हो जाए तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे का हकदार कौन है, दैट इज नॉमिनी। दादा परदादा होते हैं वो क्या करते हैं अपनी कुछ टहनी जमीनें होती हैं उसके बारे में विल में लिख जाते हैं कि मेरी जमीन का हकदार मेरा पोता मेरा बेटा होगा, वो बेटा जो होता है वो नॉमिनी होता है उस प्रॉपर्टी का, उसको नॉमिनी बोलते हैं। और 1% कंपनी के अंदर नॉमिनी बनाना जरूरी होता है। फोर्थ है जॉइंट होल्डर, क्यों किसी कंपनी में एक पर्सन ओनर होता है बट ऑफ ऑल द शेयर ऑफ कंपनी अकेले के पास होते हैं, बट इफ 2% विश टू बिकम द जॉइंट होल्डर इन द शेयर कंपनी इट कैन बी डन। अगर वो चाहें कि 1% से वो 2% कंपनी करना चाहते हैं दे कैन बी डन दिस, वो इसको कर सकते हैं। इसके बाद है लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, स्पेशल वर्ड फॉर द विद द नेम, इनके साथ एक स्पेशल वर्ड भी लगता है विच इज ओपीसी 1% कंपनी। इसके अंदर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, इन ओपीसी द नंबर ऑफ डायरेक्टर इज ओनली 1, द मेन नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो इट्स डायरेक्टर, बट अगर उसको जरूरत है तो मिनिमम 15 डायरेक्टर्स को अपने पास लेकर के आ सकता है। इसके बाद है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है वो विद इन 90 डेज के अंदर करवानी पड़ती है, ऐसा ना करने पर कंपनी को नुकसान हो सकता है, यानी कि उनको ये रूल होता है कंपनी का। एनुअल जनरल मीटिंग AGM जिसको बोलते हैं कि साल में एक बारी अगर डायरेक्टर्स हैं उसके तो नॉर्मली मीटिंग करवानी पड़ती है, उनकी ज़रूरत होती है। परपेचुअल सक्सेशन की 1% कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द एंड इनएबिलिटी ऑफ मेन मेंबर द नॉमिनेट पर्सन बिकम्स द मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो कंपनी का मेन मेंबर था वो काम नहीं कर पा रहा है तो क्या होता है जो नॉमिनी है वो काम करता है, और इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है कि अपनी एक सेपरेट पहचान होती है। इसके बाद इसके फॉर्मेशन में क्या क्या जरूरत होता है, सबसे पहला सेपरेट नेम, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, वैल्यू ओपीसी विद अ नेम यानी कि अंडर दिस नेम ऑफ द कंपनी इज रिटन इन ब्रैकेट्स, डिपॉजिट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की डिपॉजिट होना, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसके बाद उनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस तरह से ये ओपीसी कंपनी बन जाती है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत आसान है, इसे आप पढ़ सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी होना, सोल शेयर होल्डर, सोल डायरेक्टर, गुड अल्टरनेटिव सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होना, और मोर लोग एलिजिबल मतलब की, और एंट्री इज इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इसकी एंट्री हो जाती है। और लिमिटेशन क्या है कि फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होती है यानी कि रिसोर्सेज कम होते हैं, और अनबैलेंस्ड डिसीजन, एक पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता तो डिसीजन अनबैलेंस्ड भी हो सकता है, इसकी लिमिटेशंस थी। और अब जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं घर से दे रहा हूँ करने के लिए, ये क्वेश्चन 99% पेपर में आता ही आता है, इस क्वेश्चन को पानी की तरह रख लीजिएगा कि द डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। यह कोई क्वेश्चन है आज का, और इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है और एक कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी ऑन वेरियस स्टेजेस ये पढ़ेंगे कल को। आज की क्लास समाप्त, थैंक यू।